फ्रेंड्स, आज मेरे पास है DJI का मिनी 2। करते हैं इसका अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या है इसमें। दिस इज़ वन ऑफ द लाइटेस्ट ड्रोन फ्रॉम द हाउस ऑफ DJI। फ्रेंड्स, ये जो बॉक्स है ये है फ्लाई मोर कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको बहुत सारा और भी एक्सेसरीज देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपको ये बैग, ये ड्रोन, फिर कंट्रोलर, ये जो और भी है जैसे बैटरीज और ये बैटरी चार्जर एंड दिस प्रोपेलर, ये और ये सारे आपको एक्स्ट्रा चीज़ ये जो मिल रहा है ये फ्लाई मोर कॉम्बो के लिए। साइड में और कुछ भी डिटेल्स भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ड्रोन में दिस इज़ इट सपोर्ट्स 4K रिकॉर्डिंग एंड इसमें ऑकोसिंग टेक्नोलॉजी भी है, जिसमें एक्चुअली द रेंज इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 10 किलोमीटर्स। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स। आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा सा कैरिंग केस दिया हुआ है DJI की तरफ से। इसका ये जो स्ट्रैप जो है ये बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी का है एंड ये साइड में भी एक एक्स्ट्रा स्ट्रैप भी दिया गया है होल्ड के लिए। अच्छा, चलिए फिर करते हैं ये बैग को ओपन, देखते हैं क्या है इसमें। ये है दोस्तों DJI का मिनी 2। देख सकते हैं ये बहुत ही लाइट वेट है, और आप देख सकते हैं इसमें फ्लाई मोर कॉम्बो के लिए एक अलग सा एक होल्डिंग स्ट्रैप दिया हुआ है, जिसके लिए ये बहुत ही अच्छे से ये प्रोपेलर को होल्ड किया हुआ है। ये सिर्फ आपको फ्लाई मोर कॉम्बो पे ही मिलेगा, और इसमें बहुत सारे स्टिकर्स लगा हुआ है जिसको मैं एक एक करके ओपन करूँगा, उसके बाद ही आपको ये पूरा दिखाने वाला हूँ। थोड़ी देर बाद इसके बारे में बात करते हैं, तो देखिए क्या है और बॉक्स में। ये है कंट्रोलर, DJI मिनी 2 का कंट्रोलर। बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, करते हैं इसको ओपन। इट लुक्स वेरी सिमिलर टू DJI मिनी 1 कंट्रोलर। देख सकते हैं ये काफ़ी सेम है, ये इट्स ऑलमोस्ट सेम। और भी देखते हैं क्या है ये जिपर में। अच्छा, ये बहुत सारा एक्स्ट्रा प्रोपेलर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। और ये क्या है, ओके, ये कंट्रोलर के लिए है, तो ये कंट्रोलर मैं अभी फिट कर देता हूँ। बहुत ही छोटा सा है ये कंट्रोलर का, साइड में भी मैं दिखा दूंगा लास्ट में इसको कैसे आप कंट्रोलर में ही अटैच करके रख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ऐसे इसको आपको अटैच करना पड़ेगा। नाउ आवर कंट्रोलर इज़ रेडी। इस पे सिंगल प्रेस करने से ये दिखा देता है कि कंट्रोलर पे अभी कितना चार्ज है। ओके, देखते हैं और क्या क्या है इसमें, क्या है। अच्छा, ये तो स्क्रू ड्राइवर लग रहा है। दिस कैन बी यूज टू सेट द प्रोपेलर्स इनटू द ड्रोन।
ओहो, इसमें तो बहुत सारा यूजर गाइड्स है, ये बाद में इसको पढ़ते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स या फिर बहुत कुछ डिटेल्स रहेगा जो ये सेटअप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी इसको साइड में रख देते हैं। करते हैं ये इस बॉक्स को ओपन, इसमें काफ़ी सारा एक्साइटिंग सामान होने वाला है, देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये कुछ एक्स्ट्रा केबल्स दिया गया है आपको, ये आप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोलर में। पहले कंट्रोलर पे एक्चुअली कुछ ऑलरेडी केबल अटैच रहता है, जैसे कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि अभी कौन सा वाला केबल है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसमें आईफोन वाला केबल ऑलरेडी अटैच किया हुआ है। आप अगर कुछ दूसरा वाला केबल आप यूज़ करना चाहते हो तो फिर आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ये आप चेंज कर सकते हो। आप सकते हो कि ये एक साइड आपको अटैच करना पड़ेगा कंट्रोलर पे, और ये जो दूसरा है ये आपको आपका मोबाइल पे अटैच करना है। और भी बहुत सारा केबल्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है ताकि आपका हर तरह का मोबाइल को इसका सपोर्ट मिल जाए। तो देखते हैं और क्या क्या है इसमें। और देखते हैं और क्या है। ये है बैटरी चार्जर, इट्स एक्चुअली अ हब, इट कैन चार्ज अप टू 3 बैटरीज एट द सेम टाइम। आप देख सकते हैं कि ये 2 बैटरीज ऑलरेडी इसमें दिया गया है, और आई थिंक तीसरा बैटरी ड्रोन के अंदर है। लेट मी ट्राई टू ओपन द बैटरी। ये काफ़ी लाइट है आप देख सकते हो, क्योंकि ड्रोन का वेट ही है 249, आई थिंक लेस देन 249, सो विच इंक्लूड्स द बैटरी वेट ऑल्सो। तो बैटरी बहुत ही लाइट है, तो बैटरी को मैं फिर से दोबारा ये हब में इंसर्ट कर देता हूँ। तो केबल दिया गया है, ये आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा और डायरेक्टली आप चार्ज कर सकते हो। और दूसरा चीज़ है, यहाँ से आप एक्चुअली यू कैन यूज़ इट एज अ एक्सटर्नल पावर बैकअप, जिस जो आप आपका मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो इसके थ्रू। और ये है आपका अडाप्टर, चार्जिंग अडाप्टर, जैसे कि आपको मैंने बोला कि ये आप अटैच करके इसको चार्ज कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारे सामान हम लोगों ने कर लिया है ओपन, इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। पेलर्स, ड्रोन, कंट्रोलर, एक्स्ट्रा केबल्स, चार्जर एंड दिस बैटरी हब। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ये मिनी टू ड्रोन के बारे में। जैसे कि मैंने बोला था, ये बहुत ही लाइट वेट है, और इसमें ये एक प्रोपेलर होल्डर भी दिया गया है जो DJI का मिनी 1 पे नहीं था पहले, और ये एक बहुत ही एडेड एडवांटेज है फॉर दिस मिनी 2। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, ये जो होल्डर है, तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोपेलर गार्ड एक्चुअली जो फ्रंट और जो बैक जो प्रोपेलर्स है ये इन दोनों को बहुत अच्छे से होल्ड करके रख सकता है। इसमें बहुत सारा स्टिकर्स लगा हुआ है, ये जल्दी जल्दी मैं ये स्टिकर को हटा देता हूँ।
आप देख सकते हो ये इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि अब ये जो ड्रोन का जो फ्रंट जो प्रोपेलर जो है ये इसको कैसे ओपन करते हैं, तो इसको आपको सामने की तरह फ्रंट की तरह आपको खींचना पड़ेगा। तो इसका स्टिकर मैं हटा देता हूँ अभी। कर देता हूँ, हाँ ऐसे हो गया ये ओपन। तो दूसरा भी ये मिनी टू लिखा हुआ है इसमें, इसको भी मैं इसको मैं ओपन कर देता हूँ सेम वे पे। तो अब पीछे वाला जो विंग्स है इसको थोड़ा ये अलग से ओपन होता है, ये ऐसे आप खींच के आप कर नहीं पाओगे। अब देख सकते हो ये क्लॉक वाइज इसको घुमाना पड़ेगा, ये बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, ये तो हो नहीं रहा है। हाँ तो जैसे आप देख सकते हो अभी मैं इसको क्लॉक वाइज घुमाऊँगा ये, हाँ तो ये क्लॉक वाइज घुमाने से होगा। अब इसको ज़्यादा जैसे ऊपर वाला जैसे ओपन होता है वो सेम टाइप से ओपन नहीं होगा। तो ये हो गया रेडी मिनी टू। देख सकते हो ये गिम्बल पे भी एक कवर लगाया गया है, ये जो गिम्बल का गार्ड जो है ये आपको बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा। और यू कैन सी इट सपोर्ट्स 4K रिकॉर्डिंग, ये जो 4K जो है ये लिखा हुआ है लेंस के ऊपर। गिम्बल बहुत ही स्टेबल लग रहा है मुझे देख के। ठीक है, तो फिलहाल मैं अभी ये कवर को फिर से लगा देता हूँ। तो आपको ये बटन प्रेस करके इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, इसमें चार्ज नहीं है। सो फर्स्ट टाइम में चार्ज देने के बाद फिर से नया वीडियो बना दूँगा। तो ये चार्जिंग बहुत ही इजी है, जैसे कि मैंने दिखाया था कि ये जो केबल है डायरेक्टली आप अटैच कर सकते हो ड्रोन पे और इसको चार्ज कर सकते हो। और इसमें आप माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट मिलता है आपको, जिसको आप अटैच करके डायरेक्टली वो माइक्रो एसडी कार्ड पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और ये एक बटन दिया गया है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली ड्रोन से मोबाइल पे डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये मैं दिखा देता हूँ कि ये जो होल्डर जो है इसको आप कैसे फिट करोगे। ये प्रोपेलर्स का डायरेक्शन भी दिया गया है कि ऊपर वाला प्रोपेलर्स ऐसे आपको क्रॉस वाइज ऐसे करके रखना पड़ेगा, और पीछे का जो है वो भी आप देख सकते हो कि कैसे रखना है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कंट्रोलर। कंट्रोलर को जैसे मैंने बोला था कि एक फर्स्ट टाइम एक बार प्रेस करने से ये कंट्रोलर का जो कितना चार्ज है ये दिखा देता है। और ये आपको अप डाउन या राइट लेफ्ट करने में यूज़ कर सकते हो आप इसको। और ये है आपका होम रिटर्न टू होम बटन, जिसको प्रेस करने से डायरेक्टली आपका जहाँ से आप ये ड्रोन को उड़ाएंगे वहीं पर वो वापस आ जाता है। ये है फंक्शन बटन। और ये हो गया आपका जो कैमरा और फोटो मोड का स्विच करने के लिए। और ये है वन बटन फॉर स्टार्टिंग और स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। और ये है आपका गिम्बल की एडजस्ट करने के लिए, गिम्बल का ऊपर नीचे कैसे करना है उसके लिए। और ये जैसे कि आपको मैंने दिखा दिया था कि इसको मोबाइल पे आप कैसे अटैच कर सकते हो, ये इस पे आप मोबाइल को अटैच कर सकते हो इसमें। और ये जो जॉयस्टिक्स जो है इसमें एक्चुअली आप कंट्रोलर पे ही अलग से जगह है जिसमें आप जॉयस्टिक को रख सकते हो। मुझे पता नहीं था तो मैंने ऑलरेडी वो जो स्पेयर जॉयस्टिक्स है उसको यूज़ कर लिया है, तो अभी मैंने वो स्पेयर जॉयस्टिक्स को मैं रख दूंगा और आई विल यूज़ द वन विच इज़ ऑलरेडी अटैच्ड हियर। फिलहाल दोस्तों अभी तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ टू फ्लाई द ड्रोन फॉर द फर्स्ट टाइम, देखते हैं कैसे मैं उड़ा सकता हूँ। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड ट्रैवल व्लॉग्स। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा हाउ टू फ्लाई द ड्रोन।